तो कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में हम वापस बात करेंगे एनिमेशंस की। सो हम एनिमेशंस पे तो पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज हमने एक और वीडियो बनाया एनिमेशंस की, जिसमें हम बात करेंगे इन सब एनिमेशंस के बजट पर और साथ ही साथ इन सब एनिमेशन के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। तो बिना टाइम ज़ाया करें चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टे हेल्दी रहें, और यह है उसकी पूरी लिस्ट। सो हम स्टार्ट करेंगे टॉप 10 से। मूवी नंबर 10, तो यार ये है ज़ूटोपिया, जो नंबर 10 पे है, जो रिलीज़ हुई थी 16 February 2016 को बेल्जियम में और सब कंट्री में वर्ल्ड वाइड ये मार्च में रिलीज़ गई थी। तो ये है उसकी कुछ क्लिप, जैसा आप देख सकते हैं। इसमें एक स्टोरी है पुलिस ऑफिसर्स की, जिसमें एक वो क्राइम के को ढूंढने का पूरा एक स्टोरी है। अच्छी स्टोरी, आप मूवी देख सकते हैं, आपने देखा भी होगा, इंडिया में भी रिलीज़ हुई थी ये मूवी। सो गाइस, जी हाँ, जेसन बैटनर, इड्रिस एला, जेनी स्लेट, नेट टोरेसन, बॉनी हंट और भी बहुत सारे हैं। और इस मूवी में म्यूज़िक दिया सकीरा ने, और भी बहुत कुछ आप जैसे यहाँ पे पढ़ सकते हैं। रेड फॉक्स उनका एक पार्टनर भी होता है इस मूवी में। सो ये इस मूवी का डायरेक्ट किया था ब्रायन हॉवर्ड रिच मॉरिन ने, और ये उसके और भी कास्ट है यहाँ पे लिखा हुआ पढ़ सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे ज़ूटोपिया मूवी के बजट के बारे में। सो ज़ूटोपिया मूवी का बजट था $115 million। सो अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो होता है ये करीब करीब 1,123,89,22,500 इंडियन रुपीज़। और अगर हम बात करें इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन की, सो इसका था बॉक्स ऑफिस $1.024 billion इंडियन करेंसी में, 7,672,43,77,600 crores, यानी ऑलमोस्ट 6,500 के प्रॉफिट में थी मूवी, इसलिए ये 10 नंबर पे आती है। मूवी नंबर 9, सो गाइस नंबर 9 पे है फाइंडिंग डोरीज। सो जो रिलीज़ हुई थी 17 June 2016 को ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड, और इससे पहले भी कुछ कंट्रीज़ में रिलीज़ हुई थी। सो ये उसकी कुछ क्लिप है, जैसा आप देख सकते हैं। सो इस मूवी में ये लोग डोरी को फाइंडिंग करते हैं, जैसे आपने देखा उसके पिछले में था फाइंडिंग नोरीज, और इसमें फाइंडिंग डोरीज, जिसमें ये लोग ये वैसे पानी में होते हैं लेकिन मूवी में पानी से बाहर आके उसको पूरा ढूंढते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, कॉमेडी भी है, अच्छा भी है, अच्छी मूवी है गाइस। सो ये उसकी कुछ क्लिप्स हैं, आप देख सकते हैं। 3D मूवी थी ये। सो गाइज, अगर हम बात करें इन सबको डायरेक्ट किया है एंड्रयू सैंडरसन ने, कोरिस्ट एजिस बैकलेन, स्क्रीन प्ले किया था बाय स्टेनर विक्टोरिया हाउस, आप भी ये बहुत सारे कास्ट पढ़ सकते हैं, आवाज़ जिसने दिया। सो अब हम बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में। सो गाइज, इस मूवी का बजट था $175 to $200 million, जो इंडियन करेंसी में होता है 1,311 crore 20,76,252 1,498 crore 52,30,000। सो अब हम बात करेंगे इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। सो इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन किया था ऑलमोस्ट $1.029 billion, जो इंडियन करेंसी में अगर हम कन्वर्ट करें तो होता है 7,709 crore 90,08,350 rupees, जो इस मूवी का 6,300 का प्रॉफिट दिलाता है। उस मूवी से 200 करोड़ का कम प्रॉफिट है, लेकिन इस मूवी का उस मूवी से ज़्यादा बजट था। मूवी नंबर 8, तो गाइस जी हाँ, 8 नंबर पे है डेस्पिकेबल 3। सो ये इसका थ्रेटिकल रिलीज पोस्टर है, और ये रिलीज़ हुई थी 14 जून से 30 जून के बीच में वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंट्रीज़ में, और ये उसका एक क्लिप है जैसा आप देख सकते हैं। 3D मूवी थी, IMAX, Dolby, 3D सब में रिलीज़ हुई थी ये मूवी। सो आप थोड़ा सा इसका पहले क्लिप देख लीजिए। Wait, that's not a monster. That's a man wearing shoulder pads. There's only one super... सो गाइस जी हाँ, अब हम बात करेंगे इस मूवी के बजट के बारे में। सो गाइस, इस मूवी का बजट था $80 million, जो अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो होता है करीब 599 crores 40,92,000। सो अब हम बात करेंगे इस मूवी के वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की। इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन था $1.035 billion, जो इंडियन करेंसी में होता है करीब करीब 7,754 करोड़ 85 लाख 65
5,250 रुपीज़। सो बहुत ज़्यादा फ़ायदे में रही थी मूवी, ऑलमोस्ट 6,000-7,000 करोड़ के फ़ायदे में मूवी नंबर 7। सो हमने मूवी नंबर 7 पे उसको रखा है जिसके बारे में आपने बिल्कुल सुना होगा, टॉय स्टोरी 3, जो 12 जून से 25 जून के बीच में वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुई थी। 2010 में आई थी ये मूवी, और जैसा आप देख सकते हैं ये मूवी ऑलमोस्ट हर बच्चे ने देखी होगी। जैसा आप देख सकते हैं उसके कुछ क्लिप्स हैं। Over the hill. Now, come on, guys. We all knew this day was coming. We're getting thrown away. No, no one's getting thrown away. We ain't ever getting played with. Hold on. Time to be hysterical. Time to be सो गाइज़ अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। सो गाइज़ इस मूवी का बजट है $200 मिलियन, जो ऑलमोस्ट हर मूवी का इनका इतना ही बजट रहता है टॉय स्टोरीज़ का। सो अब हम बात करते हैं इसके इंडियन करेंसी में कितना होगा। इसका इंडियन करेंसी होगा 1,498 करोड़ 52,30,000 इंडियन करेंसी। अब हम बात करेंगे इस मूवी के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस ग्रॉस कलेक्शन की। सो इसका कलेक्शन था ऑलमोस्ट $1.067 बिलियन, जो अगर हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो होता है 7,994 करोड़ 62,015 रुपीस। मूवी नंबर 6, सो मूवी नंबर 6 भी यही है, टॉय स्टोरी 4, जो टॉय स्टोरी 3 से थोड़ा आगे निकली थी। और ये इसका थ्रेटिकली रिलीज़ पोस्टर है। जैसा आप जानते हैं कि इसका वर्ल्ड वाइड रिलीज़ हुआ था 11 जून से 21 जून के बीच में 2019 में। सो अब मैं आपको इसके कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ, ये देखिए। सो गाइस बिना टाइम जाना करे अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट के बारे में। इसका भी बजट था $200 मिलियन, जो इंडियन करेंसी में होता है 1,498 करोड़ 52,30,000। और इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $1.073 बिलियन, जो इंडियन करेंसी में होता है 8,039 करोड़ 57,58,915 करोड़। मोस्ट वर्थ प्रॉफिट। सो जी हाँ, ये वीडियो यहीं पर एंड हो रही है, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट आया जिसमें हम 6 to 1 ले जाएंगे। और पहले के बारे में आप बिल्कुल नहीं जानते कि पहले नंबर पे कौन है। आपको लगता होगा फ्रोजन 2 है, बट वो नहीं है। सो स्टे हेल्दी रहे, कुछ प्रिकॉशन, हम बाहर जाएं, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, 1 मीटर डिस्टेंस रखिए। और इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। चैनल पर नए हैं, लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।